नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में NBS JSA का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली कंप्लीट हो चुका है, उसी के संबंध में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ डेटा है उस पर हम बात कर लेते हैं NBS JSA के संबंध में। तो टोटल हम बात करेंगे कितने कैंडिडेट को कॉल किया गया था DB के लिए। तो आपने नोटिफिकेशन वगैरह देखा होगा, 1360 मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट कर रखी हैं। 1360 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और 25 तारीख तक, 15 से 25 के बीच ये चला, 25 तारीख तक जो कैंडिडेट एबसेंट हुए थे 196। 25 को शाम को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, यहाँ पर 196 कैंडिडेट यहाँ पर इसको स्किप किए थे, यहाँ पर एबसेंट किए थे। उन्होंने एक और डेट दी थी उन कैंडिडेट के लिए जो एबसेंट किए थे, वो थी 28 फरवरी। 28 फरवरी को यहाँ पर कितने कैंडिडेट पहुँचे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो कैंडिडेट गया था उससे बात हुई तो उस हिसाब से आप मान सकते थे मैक्सिमम 15 कैंडिडेट ही वहाँ पर पहुँचे होंगे। वो तो 10 ही बता रहा था, फिर भी हम लोग मान लेते हैं 15 कैंडिडेट यहाँ पर उस दिन पहुँचे होंगे। ठीक है, तो शुरुआत में 11 से 64 कैंडिडेट पहुँचे थे 1360 में। अब यहाँ पर 15 इसमें ऐड कर लीजिए तो मोटा मोटी आप मान सकते हैं सिर्फ 1180 कैंडिडेट ने यहाँ पर फाइनली DB कराया है। जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी फाइनल के लिए वो यहाँ पर 1180 कैंडिडेट को ध्यान में रखते हुए बनेगी। ठीक है, तो 1180 कैंडिडेट यहाँ पर आपके DB इनका कंप्लीट हुआ है। इसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आएगी जो भी एबसेंट किए हैं या जिनका छूट गया है। तो बात कर लेते हैं जो सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों का था, लिस्ट जो है वो किस बेस पर बनाई गई थी DB की, रैंक वाइज जो भी उसका बेस किया था, तो उसके बारे में अगर बात करेंगे तो आप लोगों ने अब तो देख भी लिया होगा जो लिस्ट बनाई गई थी वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कर के बेस पर बनाई गई थी। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। मैंने जब 10 से 15 कैंडिडेट के मार्क्स मंगाए, जो रॉ मार्क्स था उसको मंगाया और जब अरेंज किया तो मोटा मोटी, अब ज़्यादा वहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, मोटा मोटी अगर आप उसको देख लेंगे एक रफली आइडिया आपको 100% मिल जाएगा कि ये जो लिस्ट है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेस पर है। अब यहाँ पर ये मत कीजिएगा कि रॉ मार्क्स के बेस पर, रॉ मार्क्स के बेस पर कभी भी फाइनल लिस्ट नहीं आती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन पहले होता है उसी बेस पर लिस्ट आती है, ना कि रॉ मार्क्स के बेस पर। तो ये लिस्ट 100% नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेस पर है। जिसका मार्क्स ज़्यादा है वो टॉप पर है, जिसका मार्क्स कम है तो उसी हिसाब से इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर लगा दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। जो मैंने 10 से 15 कैंडिडेट मंगाए थे जिनके मार्क्स, वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जहाँ मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर शो कर दूंगा। ठीक है, तो एक आपका यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कुछ और चीज़ें हैं जो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन इस तरीके का था, इसका रिजल्ट अब कब तक आएगा, क्योंकि DB कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ इसका रिजल्ट जो है आना बाकी रह गया। तो इसका रिजल्ट जो है आप मार्च के लास्ट वीक में 100% यहाँ इसका रिजल्ट आएगा, मार्च के लास्ट वीक में आ जाएगा। इसका कंपैरिजन 2019 के JSA से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2019 में जो है कंडीशन अलग थी, और वहाँ पे अगर आप हरी चीज़ सब चीज़ों को, सब पैरामीटर को देख ही रहे हैं तो ये भी देखिए कि वहाँ पर टाइपिंग के कितने दिन बाद DB के लिए कॉल किया गया था, 3 से 4 महीने बाद। यहाँ अगर इस बार देखेंगे तो सिर्फ 1.5 महीने, 1.5 महीने से कम ही समय में आपको DB के लिए बुला लिया गया है। तो वो जो चीज़ें आप अगर वहाँ पर देख रहे हैं तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं चलेंगी। मार्च के लास्ट में आपका 100% यहाँ पर मेरिट लिस्ट हो जाएगा। ज्वाइनिंग की बात करेंगे तो अगर इससे पहले वाले की ज्वाइनिंग देखेंगे तो जिस दिन रिजल्ट आता है वो उसी दिन आपको मेल के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर भेज देते हैं। अगर ठीक है तो इस बार भी यही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 10 दिन डिले हो जाए, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो अप्रैल में 100% आप मान के चलिए आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा, जो भी आपको JNB मिले। ठीक है, तो रिजल्ट और ज्वाइनिंग की यहाँ पर बात हो गई। कुछ कैंडिडेट मेडिकल के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर मेडिकल होता नहीं है। वैसे मेडिकल का प्रोसेस ये है कि जब आपको अपॉइंटमेंट जो लेटर है वो मिलता है उसी में यहाँ इनका जो है फिटनेस जो डॉक्यूमेंट होता है उसी में अटैच होता है। उस फिटनेस जो डॉक्यूमेंट होता है उसको आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का CMO है वहाँ से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बना के जो भी आपको JNB अलॉट होता है वहाँ पर सबमिट कर देना होता है, बस यही इसका मेडिकल है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई, रिजल्ट भी हो गया, ज्वाइनिंग, मेडिकल, ये सभी चीज़ें हो गई। पोस्टिंग आपको पता है, नोटिफिकेशन में साफ साफ इन लोगों ने मेंशन कर रखा था कि मोस्टली जो है इसकी ज्वाइनिंग आपको, जो आपको JNB मिलेगा वो नॉर्थ ईस्ट में, जो भी हार्ड स्टेशन हैं या नॉर्थ ईस्ट हो गया वहीं पर आपको दिया जाएगा।
अब इसका मतलब ये भी नहीं कि 622 के 622 आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है, मोस्टली जो है वहाँ पर मिलेंगे, वो आपके मार्क्स पर डिपेंड करेगा। अच्छा मार्क्स होगा तो आपको जो है अदर स्टेट भी मिल सकता है, क्योंकि वैकेंसी ऑल इंडिया की है। तो 622 ऐसा नहीं है, 622 नॉर्थ ईस्ट में इनको पोस्टिंग दे दी जाए, तो अलग अलग मिलेगी, जिसका जिस तरीके से मार्क्स होगा उसी हिसाब से उसको वहाँ पर JNB अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो आपने इसका ट्रांसफ़र पॉलिसी देखी होगी, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो 2 साल बाद इसका ट्रांसफ़र करा सकता है, यानी कि 2 साल आप कहीं भी जहाँ भी आपको JNB मिलता है वहाँ पर रहिए, उसके बाद आप अपना ट्रांसफ़र करा लीजिए, अपने होम स्टेट में आ सकते हैं। तो ये इसका रहता है ट्रांसफ़र का रूल्स एंड रेगुलेशन, यही रहते हैं। तो यही सब चीज़ें थी, जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। लिस्ट हो, रिजल्ट हो, ज्वाइनिंग मेडिकल, ठीक है, ट्रांसफ़र, और जो भी DB जितने स्टूडेंट ने कराया है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी और वीडियो में मिलेंगे, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो बस अब थोड़े दिन का इंतज़ार के बाद आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, इसी महीने यानी कि मार्च स्टार्ट हो चुका है, तो लास्ट मार्च तक आपको वेट करना होगा। बस उसके बाद जो है यहाँ से इसकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी जो है ज्वाइनिंग के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ और है, हाँ एक क्वेश्चन मैं भूल रहा था जो आप लोग पूछ रहे थे, वो था इसकी जो है जो लिस्ट आती है उसके बाद वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट से संबंधित चीज़ें आप पूछ रहे थे। तो वेटिंग लिस्ट का दिक्कत ये है कि कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं, कहीं से कुछ लोगों से बात हुई, बोल रहे कह रहे थे कि इनकी वेटिंग लिस्ट आती है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं आती है, तो ये बाद में बाद की बात होगी, वेटिंग लिस्ट देते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ जो ऑलरेडी वर्किंग है उनसे बात की है तो वो कह रहे हैं कि वेटिंग इसका आता है, कोई लिस्ट वगैरह नहीं आती है, क्योंकि DB इन्होंने करा लिया है, तो ये क्या करते हैं कि उसको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर भेज देते हैं बाया मेल, तो ये पब्लिकली नहीं हो पाता है इसका वेटिंग लिस्ट, किसी प्रकार से ये लिस्ट नहीं निकालते हैं, सिर्फ इनको अगर शॉर्टफॉल होता है तो वहीं से जो है आपको मेल के द्वारा ये लोग बुला लेते हैं, जहाँ तक अब ये चीज़ें पता चला है। तो ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो होंगी वो आपको यहाँ पर पता चलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,